Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7th by Brain Root series. And here is a book, the name is Cyber Creators. Today we are going to start chapter number 7 and the name is Creating Web Pages Using HTML5 and CSS. So yes, in this chapter we are going to learn how to create web pages. वेब पेजेस जो वेबसाइट पे होती है उसे कैसे क्रिएट करना है HTML5 से और CSS से. अभी हमने पढ़ा था कि वेब पेजेस जावा पे, C++ पे, HTML पे, इन सब पे क्रिएट किया जाता है. तो कैसे करना है, लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न रिवाइजिंग HTML टैग्स. अब हम इस चैप्टर में HTML टैग्स को रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. लिस्ट क्या होती है, लिस्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, टेबल्स क्या हैं और टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. बिफोर दैट लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग अ वेब पेज इन HTML. क्या स्ट्रक्चर है वेब पेज को क्रिएट करने का HTML में, दिस इज टू बी रिटन हियर. लेट्स रिवाइज HTML टैग्स. सो HTML टैग्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या है ये HTML टैग्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं टैग्स और उनके क्या क्या यूसेज हैं. तो पहला टैग आता है HTML, मींस आप देख सकते हो दो पैराथीसिस के बीच में ये HTML है. दिस टैग टेल्स द ब्राउजर अबाउट द बिगनिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. ये हमेशा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल syntax is given here HTML and then HTML close, HTML open and then HTML close. तो ये opening tag है और ये हमारा closing tag है. Next comes head tag. So this tag marks the beginning of the header section. ये header section के बारे में बताता है कि heading start हो रही है. And it is a container tag. ये एक container tag है. And इसका syntax है head tag open and head tag close. तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग में हमेशा स्लैश हमें लगाना है. नेक्स्ट आता है टाइटल. दिस टैग टेल्स द ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज. वेब पेज का टाइटल क्या होगा, तो हम इस टाइटल टैग में लिखते हैं. तो ओपनिंग टाइटल टैग एंड क्लोजिंग टाइटल टैग. उसके बाद आता है बॉडी. ऑल ऑफ द टैग्स एंड द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज अपीयर अंडर द बॉडी टैग. जितने भी दूसरे टैग्स हैं या जो भी टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे, वो सब कुछ बॉडी के अंदर आता है. एंड बॉडी का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. नेक्स्ट आता है हेडिंग टैग, जिस जो H17 से H6 तक है. सो हेडिंग टैग्स इन HTML आर अंडर यूज टू क्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग. हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. Which provides structure and hierarchy to the content. जो structure provide करता है content को या hierarchy provide करता है content जो भी web page का है उसे. And इसका यह है opening and यह है closing tag. Where n is 1, 2, 6. n क्या है, 1 से लेके 6 तक के जो भी numbers हैं तो वो यहाँ पे आते हैं. Next आता है line break tag. सो बी आर टैग है हमारा लाइन ब्रेक टैग. दिस टैग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन. नया लाइन में अगर आपको जाना है, न्यू लाइन में जाना है, तो आपको यहाँ एंटर की प्रेस नहीं करना, आपको क्या करना है, बी आर टैग यूज करना है. तो दिस इज यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन और अ लाइन ब्रेक विद अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. तो हमें क्या करना है, बी आर टैग लगाना है जिसके बाद लाइन ब्रेक हो जाता है. फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल रूल टैग, जिसे हम HR टैग भी कहते हैं. दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज. पेज में अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आपको HR टैग को यूज करना पड़ेगा. एंड दिस इज द सिंटैक्स. फिर आता है पैराग्राफ टैग. दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ लॉन्ग पैराग्राफ. लंबे पैराग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए पैराग्राफ टैग यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है P. फिर बोल्ड टैग आता है, इटैलिक्स टैग आता है, अंडरलाइन टैग आता है. ये तीनों का काम है, एक का काम है बोल्ड करना कंटेंट को, एक का काम है इटैलिक्स में कन्वर्ट करना कंटेंट को, और दूसरे का थर्ड का काम है कंटेंट को अंडरलाइन
करना। तो बोल्ड के लिए बी, इटैलिक्स के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इमेज टैग। दिस टैग इज यूज टू इनपुट द इमेज ऑन अ वेब पेज। वेब पेज में इमेज डालनी तो आपको इमेज टैग पे जाना होगा। एंड दिस इज द सिंटेक्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मोर HTML टैग्स। तो चलिए HTML टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है यहाँ पे लिस्ट। अ लिस्ट इज अ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे है इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, एक बहुत ही तरीके से प्रिसाइज मैनर में। इट हेल्प्स इन मेकिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और ज़्यादा क्लियर बनाता है। thereby grabbing a visitor's attention, और ये विजिटर के अटेंशन को भी लाता है वहाँ तक। where whether it is a minute of a meeting or a list of items or the table of content of a document, you will find the user in the list of all. So चाहे इनमें से कोई भी चीज़ हो, जो यूज़र होता है वो इस लिस्ट में आपको हमेशा मिलेगा। HTML supports different elements to create a list for displaying आइटम्स। HTML क्या करता है, ये सपोर्ट करता है बहुत सारे एलिमेंट्स को जो कि एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे आइटम्स को डिस्प्ले किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। इट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट स्टाइल्स, इसे अलग अलग स्टाइल्स में किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। द टाइप ऑफ लिस्ट दैट यू कैन क्रिएट इन HTML आर, जो लिस्ट हम बना सकते हैं HTML में उन्हें हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये तीन तरीके के लिस्ट है जो हम HTML में बना सकते हैं। अब क्या है ये तीनों लिस्ट, लेट्स रीड। पहला आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज व्हेन द आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड इन एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आप चाहते हो आपका जो कंटेंट है वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना आए तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। दिस लिस्ट बिगिंस विथ UL tag and UL closing tag. The indents, it indents each item in the list and adds a bullet against each of them. ये क्या करता है, ये क्योंकि unordered means unordered list है तो यहाँ पर आपको इसमें bullets दिखाई देंगे, number वन number टू means proper sequence नहीं दिखाई देगा। And it is also known as bulleted list, unordered list को हम bulleted list भी कहते हैं। The li tag is used to display the list of items. List of items दिखाने के लिए, ये सारी list of चीज़ें हैं तो इसे दिखाने के लिए li tag को use किया जाता है। And that is ordered and unordered list. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ code लिखे हुए हैं इस unordered list के। For example, आपको list of stationery आपके वेब पेज पे टाइप करना है जिसमें पेन, इरेजर, पेंसिल, स्टेंसिल, क्लिपबोर्ड, कलर्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने पहले क्या किया, HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल टैग ओपन किया, अब उसमें यूजिंग लिस्ट डाला, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, फिर स्टाइल टैग पे आए, आपने बैकग्राउंड का कलर चूज़ किया, फिर कलर क्या होना चाहिए, हाईलाइट का कलर होना चाहिए मरून, ये देखिए हाइलाइटेड वर्ड का कलर मरून है। एंड जो हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट का कलर होना चाहिए पर्पल, ये है लिस्ट का कलर पर्पल। फिर हमने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया, अब बॉडी टैग में हमने लिख दिया लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, ये है आपके सामने, ये लिखा आपने बॉडी टैग में। फिर आपने पेन, अब आपने लिस्ट में जो जो आइटम चाहिए थे वो सारे लिख दिए, पेन, इरेजर, पेंसिल, स्टेंसिल, क्लिपबोर्ड, कलर। फिर आपने जो टैग्स को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और फिर आपने HTML टैग को क्लोज कर दिया। सो चिल्ड्रेन, ये सब कुछ टाइप करने के बाद हमें ये लिस्ट अपने सामने दिखेगी हमारे वेब पेज पे। तो ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये क्या करता है, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। एन ऑर्डर्ड लिस्ट इंडेंट्स एंड गिव्स अ नंबर टू ईच आइटम इन द लिस्ट। जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट में ना, सबको एक नंबर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर्स दिए गए हैं इस लिस्ट में। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम
बुलेटेड लिस्ट कहते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर लिस्ट से जानते हैं. दिस लिस्ट बिगिंस एंड एंड्स विद ओएल और मींस ओएल ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. ऑर्डर्ड लिस्ट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन सिचुएशन वेयर द ऑर्डर ऑफ आइटम इज सिग्निफिकेंट और वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ काउंट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स. तो ये लिस्ट कहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पे आपको नंबर्स का जो लिस्ट है उसकी गिनती आपको जाननी जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टेप्स आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑर्डरली इन ए रेसिपी, अगर रेसिपी बुकलेट दी गई है उसमें स्टेप बाई स्टेप नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना है फिर कौन सा फॉलो करना है. द एंड रिजल्ट विल नॉट बी डिजायर्ड, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, अच्छा नहीं होगा. तो हमें क्या चल रहा है चिल्ड्रेन, हमें ये सारे टैग्स लिखने हैं. सेम थिंग HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग लिखना है, स्टाइल टैग है बैकग्राउंड कलर डाल दिया, हाईलाइट ब्लू से करना है, लिखना जो लिस्ट बनानी है वो ग्रीन से बनानी है. फिर स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग ओपन किया, फिर लिस्ट ऑफ स्टेशनरी हाईलाइटेड वर्ड्स में आएगा और फिर लिस्ट है पेन इरेजर पेंसिल स्टेंसिल क्लिप बोर्ड कलर. बॉडी टैग क्लोज किया, एस्टेबल टैग क्लोज किया और ये हमारे सामने लिस्ट आ गई है. और आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट थी इसलिए यहाँ पे नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अब आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ओ एल टैग्स. सम कॉमनली यूज एट्रीब्यूट्स ऑफ ओ एल टैग्स आर ऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स आर, पहला है स्टार्ट एट्रीब्यूट और दूसरा है रिवर्स एट्रीब्यूट. तो स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है नंबर वन से. बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द लिस्ट विथ अ डिफरेंट नंबर विथ अ हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट. तो चिल्ड्रेन जब भी जैसे ही हम ये ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट्स में क्या कर सकते हैं, हम नंबर को जरूरी नहीं वन से ही हम स्टार्ट करें, हम किसी और नंबर से भी अपनी लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइट स्टार्ट 101, अगर हमने लिखा स्टार्ट 101 तो ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो 101 से स्टार्ट हो जाएगी. अब है रिवर्स एट्रीब्यूट. रिवर्स एट्रीब्यूट क्या है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द लिस्ट ऑर्डर शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब ये रिवर्स ऑर्डर क्या कहता है, जो भी लिस्ट है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना हमें. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा ओएल स्टार्ट 5 रिवर्स, तो मीन्स 5 रिवर्स नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे. आप यहाँ देख सकते हो ओएल स्टार्ट 5 रिवर्स लिखा है. तो सबसे पहले हमने HTML टाइप करना है, फिर उस हेडिंग टाइप करना है, फिर टाइटल लिखना है टू डू लिस्ट, फिर स्टाइल, स्टाइल में क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर, ये जो कलर्स मेंशन है ये होना चाहिए, और हाईलाइटेड कलर जो है रेड होना चाहिए, लाइट कलर जो है मीन्स लिस्ट का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए. स्टाइल को हमने क्लोज किया, हेड को हमने क्लोज किया, बॉडी ओपन की, उसमें हेडिंग डाल दी टू डू लिस्ट फॉर टुडे, एंड फिर अब हमने लिस्ट में लिख दिया कौन कौन सी चीज़ें कैसी होंगी. ऑर्डर्ड लिस्ट 5 रिवर्स होनी चाहिए. एक्सरसाइज बाय ग्रॉसरी प्रीमियम परचेज प्रेजेंटेशन सॉरी प्रिपेयर प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्स टू ईमेल पे बिल्स. तो ये लिस्ट जो आपके सामने एक्सरसाइज से शुरू होकर बिल पे बिल्स पे ख़त्म हो रही है, रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दिया जाएगा. एंड देन आपने बॉडी और एचटीएमएल डाल के क्लोज कर दिया टैग को. नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट इज टाइप एट्रीब्यूट. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ नंबरिंग और बुलेट यूज. ये एट्रीब्यूट क्या बताता है, किस तरीके के नंबर्स यूज किए जाने हैं या फिर बुलेट्स यूज किए जाने किसी भी आइटम को मार्क करने के लिए. बाय डिफॉल्ट 1 जो है ऑलरेडी रहता है वहां पे ऑर्डर्ड लिस्ट में, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको एक डिस्क मिलेगा. डिस्क इज द डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल. डिस्क क्या है, आप जब भी आप बुलेट्स पे आप क्लिक करेंगे डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल डिस्क ही आएगा. तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आप वैल्यूज दिखेंगे आपको, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको डिस्क स्क्वायर या फिर सर्कल दिखाई देगा. फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल टाइप वैल्यू वेयर वैल्यू ए कैपिटल ए कैपिटल आई स्मॉल आई 1, ये क्या हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं. तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने कैपिटल ए टाइप किया तो रिजल्ट आएगा ए बी सी डी.
अपर केस है लेटर का, अगर हमने स्मॉल ए टाइप किया तो ए बी सी डी, लोअर केस आएगा लेटर्स का, अगर हमने कैपिटल आई टाइप किया तो रोमन नंबर्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख के आएगा, अगर तो ये है अपर केस रोमन नंबर्स का। अगर हमने इसमें स्मॉल आई टाइप किया, दिस इज स्मॉल आई चिल्ड्रन, सो करेक्टेड स्मॉल आई टाइप किया तो स्मॉल 1, 2, 3, 4 रोमन नंबर्स का स्मॉल टाइप आपके सामने आ जाएगा, एंड ये है लोअर केस रोमन नंबर का। फिर है अगर हमने इसमें 1 टाइप किया तो 1, 2, 3, 4 लिख के आ जाएगा आपके पास, ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का जो बाय डिफॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लिस्ट प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बिलो, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। पहला है लिस्ट style type, so this property specifies the bullet style that will be used as a type of list item marker, syntax lifestyle type value, तो ये इसका syntax है, जैसा नाम है वैसे आप देख सकते हो syntax भी same है। तो ये क्या करता है, ये bullet के style को बताता है कि किस तरीके का bullet use किया जाएगा, जहाँ पे जो वैल्यू है फॉर एन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर नन डिस सर्कल स्क्वायर, ये सारे क्या है वैल्यूज आप डाल सकते हो वैल्यू में, एंड वैल्यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट आर डेसिमल, डेसिमल लीडिंग जीरो, लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, और ये सारी चीज़ें ऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगी। फिर आता है लिस्ट स्टाइल इमेज, with this property you can specify an image as a list item marker, आप क्या कर सकते हो एक इमेज लगा सकते हो लिस्ट के को मार्क करने के लिए, and here you can see this is the syntax। अगला आता है list style position, you can specify the position of the list item markers with the help of this property, इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं पोजिशन को मार्क कर सकते हैं, That is to make them appear in or outside the content flow. ये जो है कंटेंट के अंदर डालना है या बाहर, ये यहीं से डिसाइड होता है, एंड हियर यू कैन सी दिस इज द सिंटेक्स ऑफ लिस्ट स्टाइल पोजिशन। नेक्स्ट आता है लिस्ट स्टाइल, दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वेयर इन ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज कैन बी स्पेसिफाइड इन वन डिक्लेरेशन, तो ये जितनी भी लिस्ट हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी है सारी लिस्ट इसके अंदर आ सकती हैं, एंड द सिंटेक्स इज लिस्ट स्टाइल वैल्यू, जहां पे वैल्यू क्या है वैल्यू फॉर लाइफ स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप आ गया, फिर वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल पोजिशन आ गया दिस वन, एंड वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल इमेज, ये तीनों चीजें इसके अंदर लिस्ट स्टाइल के अंदर आ गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन में लिखा हुआ है वार्मिंग अप, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, डेली एक्सरसाइज रूटीन है, उसे कैसे जो है दो लिस्ट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले हमने एस्टिमेट टाइप किया है, फिर हेड, फिर टाइटल, टाइटल है डेली एक्सरसाइज रूटीन, अब स्टाइल है बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए, फिर हाइलाइटेड कलर ग्रीन होना चाहिए और लिस्ट का कलर ब्लू होना चाहिए, वो आपके सामने है, फिर हमने स्टाइल डाला इसमें, स्टाइल को क्लोज किया, हेडिंग को क्लोज की, बॉडी में हमने लिखा डेली एक्सरसाइज रूटीन, फिर हमने स्टाइल डाली लिस्ट की पोजीशन आउटसाइड, और उसके बाद हमने वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग लिख दिया इसके लिस्ट में, फिर हमने इस लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर हमने अगला हाईलाइट लिखा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब ये जो है क्या होनी चाहिए, ये इनसाइड होनी चाहिए, सो अब हमने इसके नीचे डाल दिया पुशअप, स्क्वाट्स एंड प्लैंक्स, फिर हमने बॉडी क्लोज किया, एचटीएमएल क्लोज कर दिया, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर टाइपिंग दिस, सो यू कैन ट्राई दिस चिल्ड्रन ऑन योर ओन, इफ वन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग इन द अबव शॉर्ट हैंड, अगर इस शॉर्ट हैंड में कोई भी एक वैल्यू गायब है, then the default value for the missing property will be inserted, तो जो default value है missing property की वो आ जाएगी इसके अंदर। next comes nested list, the nested list
इज अ लिस्ट इनसाइड एनी अदर लिस्ट. ये जो नेस्टेड लिस्ट है ये एक लिस्ट है किसी दूसरे लिस्ट के अंदर. एन ऑर्डर्ड एंड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन ईच अदर टू फॉर्म मल्टी लेवल लिस्ट. सो जैसा कि आपके सामने है रेसिपी के कुछ इन्ग्रीडियंट्स है, कुछ तो आप देख सकते हो कुछ का ऑर्डर क्या है. लोअर केस है रोमन नंबर्स का और यहाँ पे आप देख सकते हो अपर केस है अल्फाबेट्स का. सो ये क्या है, इसमें आपने एक चीज़ के अंदर दो अलग अलग लिस्ट बना लिए, मीन्स एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे. तो इस तरीके से मल्टीपल लिस्ट मीन्स मल्टीपल लेवल्स क्रिएट किया जा सकते हैं लिस्ट के. टू क्रिएट दिस लिस्ट टाइप द फॉलोइंग कोड. तो हमें ये कोड टाइप करना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द टर्म फॉलोड बाय इट्स डेफिनेशन. डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो इसके डेफिनेशन में आ रही हैं, मीन्स किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन. इट इज़ यूज टू प्रेजेंट अ ग्लॉसरी अ लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यूज. ये ग्लॉसरी प्रेजेंट करने के काम आता है या दूसरी चीज़ों को प्रेजेंट करने के काम आता है. इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ डी एल एंड क्लोजिंग डी एल. ये ओपनिंग डी एल और क्लोजिंग डी एल. डी मतलब डिस्क्रिप्शन, एल मतलब लिस्ट. तो ओपनिंग डी एल और क्लोजिंग डी एल से आप स्टार्ट और कंप्लीट कर सकते हो. द डी एल टैग इज यूज इन कंजंक्शन विथ डी टी एंड डी डी टैग्स. तो डी एल टैग को डी टी और डी डी टैग्स के साथ यूज किया था. अब क्या है ये डी टी टैग? डी टी टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म्स और नेम टर्म्स या फिर नेम्स को डिफाइन करने के लिए डी टी टैग यूज किया जाता है. सिमिलरली डी डी टैग इज यूज टू डिस्क्राइब ईच टर्म और नेम. हर एक टर्म या फिर हर एक नेम को डिस्क्राइब करने के लिए डी डी टैग यूज किया जाता है. एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट. व्हाट यू हैव टू डू चिल्ड्रन, यू हैव टू टाइप दिस कोड इन योर नोट पैड एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट. तो आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ये हमारा हेडिंग है एंड अब इसके अंदर रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की है कि रूट के अंदर क्या आना चाहिए, रूट क्या आना चाहिए. द अन डी डी टैग है तो आपने डी डी टैग में देखे लिखा है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अब्सॉर्ब्स वाटर. एंड अब आपने ब्रेक लगा दिया तो अब देखिए एंड के बाद यहाँ पे ब्रेक है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है. तो एंड के बाद अब अगली लाइन यहाँ इसके आगे आ रही है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर्स द प्लांट. फिर आपने ब्रेक लगाया, फिर आपने डी डी टैग को क्लोज किया, फिर आपने स्टेम टाइप किया जिसमें आपने डी टी टैग का यूज़ किया है. अब इसमें आपने डी डी टैग में आगे लिखा है द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट सपोर्ट्स द लीफ. फिर आपने अगेन ब्रेक लगाया है यहाँ पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वाइल ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग वाटर मिनरल्स एंड शुगर. फिर आपने ब्रेक टैग लगाया है, फिर से डी डी टैग क्लोज किया है, फिर डी टी टैग ओपन किया है और हेडिंग डाली है लीव्स, ये है आपके सामने. फिर आपने लिखा है डी डी टैग लगा के द फ्लैटर्ड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. फिर ब्रेक टैग लगा के हमने फॉर के बाद अगली लाइन में भेज दिया है फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी. फिर ब्रेक टैग लगाया है, फिर डी डी टैग लगाया है, उसे क्लोज किया है, अगेन डी डी टैग को यूज़ किया है फ्लावर्स के लिए. एंड सिमिलरली वॉट एवर इज रिटन हियर वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है ब्रेक वगैरह लगा के. एंड फिर आती है फ्रूट्स की बारी. अब फ्रूट्स की जो भी डिटेल्स है वो आपने यहाँ लिखी है. लास्ट में आपने बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया एंड दैट वॉज द रिजल्ट दैट यू विल गेट. नेक्स्ट आते हैं आपके टेबल्स. टेबल्स प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो टेबल्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स में प्रोवाइड करते हैं. They are extremely powerful to be used in web pages as they are quite flexible. ये जो है extremely बहुत ज़्यादा popular है use करने में और ये काफ़ी ज़्यादा flexible भी हैं. अब क्या क्या advantages है table के,
The advantages of tables are table present information or data in a comprehensive manner. So अगर हम किसी भी डेटा को जस्ट यूं ही लगा रहे हैं और उसी डेटा को हम टेबल में शो कर रहे हैं तो जो टेबल वाला डेटा है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. तो ये क्या करता है, टेबल्स जो हमारा डेटा है उसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रेजेंट करता है, एक बहुत ही प्लीजेंट मैनर में प्रेजेंट करता है. इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा. डेटा को इजीली कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है टेबल्स की वजह से. इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन टेबल इज ईजियर टू रीड एंड क्विकर टू इवेल्युएट. जो भी इंफॉर्मेशन टेबल में लिखी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है और समझने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और जल्दी से इवेल्युएट किया जा सकता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द वेरियस आइटम्स टू डिफाइन अ टेबल. तो यहाँ आपके सामने एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं और उनके कौन से ग्रेड आए हैं वो ग्रेड्स लिखे गए हैं. क्रिएटिंग अ टेबल इन HTML. अब कैसे एक टेबल को क्रिएट करना चाहिए हमें HTML में वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो टू क्रिएट अ टेबल इन HTML द टेबल टैग इज यूज. टेबल टैग को यूज किया जाता है. ईच टेबल बिगिंस विथ टेबल टैग एंड एंड्स विथ क्लोजिंग टेबल टैग. तो टेबल जब आप स्टार्ट करें तो ओपनिंग टैग लगाएंगे एंड जब क्लोज करें तो क्लोजिंग टैग लगाएंगे. यू कैन डिफाइन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल इन साइड द टेबल टैग. आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को टेबल टैग में डिफाइन कर सकते हैं. टेबल टैग्स आर गिवन बिलो. ईच रो इन अ टेबल बिगिंस विथ TR टेबल. जितने भी रो हैं टेबल में वो TR टेबल रो टैग से स्टार्ट होते हैं और इस टैग से क्लोज होते हैं. द रो मस्ट ऑलवेज बी इनसाइड द टेबल टैग. वो जो रो है वो हमेशा टेबल टैग के अंदर होना चाहिए. द कॉलम्स कंटेन सेल्स ईच ऑफ विच बिगिन विथ TD. जो कॉलम्स हैं जिनमें सेल्स होने चाहिए वो सब TD से स्टार्ट होने चाहिए एंड एंड विथ दिस TD टैग. द TD टैग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग. ये जो TD टैग है हमेशा रो टैग के अंदर होना चाहिए. टू स्पेसिफाई अ कॉलम हेडिंग. कॉलम की हेडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए यू यूज अ TH टैग. आपको TH टैग यूज करना है. That also ends with TH tag, जो TH tag से ख़त्म होता है. It makes the text bold, ये text को bold बनाता है. The caption tag is used to specify the title for the table. ये जो caption tag है ये क्या करता है, title को specify करता है किसी भी table के लिए. Let us create a table in HTML using these tags. तो चलिए HTML में इस table को create करते हैं इन tags को use करके. तो आपने डॉग टाइप लिखा है, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन. अब आपने डाल दिया इसमें टाइटल क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल. टाइटल क्लोज कर दिया, स्टाइल ओपन कर दिया. अब आपने इसमें बॉडी बता दिया कि कौन सा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए एंड ये जो आपका जो है TH टैग है वो ब्लू कलर का होना चाहिए. स्टाइल टैग को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया. आगे जो है हेड को क्लोज किया, बॉडी ओपन करके हमने टेबल डाल दी, फिर कैप्शन डाल दिया एंड स्टाइल कलर रेड होना चाहिए. ये देखिए आपके सामने रेड कलर है जिसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए. कैप्शन को क्लोज किया, TR टैग को ओपन किया. अब सीरियल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, ग्रेड डाल दिया और ये सब आप देख सकते हैं TH टैग के अंदर है एंड सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड आ गया आपके सामने. फिर आपने TR टैग को क्लोज कर दिया. TR टैग को वापस से ओपन करके आपने ये सारे डिटेल्स डाल दिए बच्चों के कि किस बच्चे के कितने ग्रेड आए हैं. तो ऐसे हमें ये ग्रेड्स एंटर करने, इसमें फिर लास्ट में इन सारे टैग्स को क्लोज कर देना है एंड आफ्टर डूइंग दिस दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. तो आप देख सकते हो टेबल आपके सामने प्रेजेंट है जहाँ सीरियल नंबर हैं, फिर नेम्स हैं और फिर ग्रेड्स हैं. The table in the above output does not give the real appearance of a table. अब आपके सामने ये जो टेबल है आपको ये पूरी तरह से टेबल नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि इसमें लाइंस नहीं बने हुए. ऐसे लाइंस बने होने चाहिए तब तो ये पूरी तरह से टेबल कहलाएगी. तो ये पूरा लुक नहीं दे रही है टेबल का. Except that the data is descripted in rows and column.
बस ये दिख रहा है कि जो डेटा है वो रोज और कॉलम्स में दिखाई दे रहा है. टू एनहेंस इट्स अपीयरेंस, लेट्स डिस्कस वेरियस टेबल प्रॉपर्टीज. अब इसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे टेबल प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं. टेबल प्रॉपर्टीज, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड टू अ टेबल टू एनहेंस इट्स अपीयरेंस. ये जो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दिए गए हैं, इन्हें अप्लाई किया जा सकता है किसी भी टेबल में उसके अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए एंड मेक इट अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. सबसे पहले हमें बॉर्डर बनाना सीखना है. सो बॉर्डर क्या है? ये जो प्रॉपर्टी है ये हेल्प करती है स्पेसिफाई करने में बॉर्डर के विड्थ को, बॉर्डर के स्टाइल को, बॉर्डर के कलर को, उसके टेबल को और उसके सेल्स को. तो सिंटेक्स क्या है? बॉर्डर और फिर वैल्यू. जहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है? इनमें से ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं. सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन द अबव एग्जांपल. अब इस एग्जांपल में चलिए इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स टाइप HTML हेड टाइटल स्टाइल बॉडी टेबल एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल दिस. अब बॉडी जो है हमने यहाँ पे ओपन किया, फिर टेबल, फिर कैप्शन, फिर TR टैग हमने लगाया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डाली इसमें एंड बॉर्डर का कलर ब्लू चाहिए था. अब हमने सारे डिटेल्स वापस से डाल दी बच्चों के. अब आप देख सकते हो आपके सामने पहले जो टेबल थी और अब जो टेबल थी, कितना डिफरेंस है दोनों टेबल्स में. सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट टेबल. नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. क्या होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट? मीन जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो हॉरिजॉन्टल आना चाहिए या वर्टिकली आना चाहिए. सो द टेक्स्ट अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट्स को लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन या फिर वर्टिकल अलाइन यूज़ करते हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर यूज विथ द TH और TD टैग. ये जो प्रॉपर्टीज है TH या फिर TD टैग से यूज़ किए जाते हैं. बाई डिफॉल्ट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फॉर द कंटेंट ऑफ TH इज सेंटर अलाइन एंड फॉर TD इज लेफ्ट अलाइन. सो बाई डिफॉल्ट ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है फॉर द कंटेंट, ये सेंटरली अलाइंड होता है, मीन्स बीच में होता है एंड TD इज लेफ्ट अलाइंड, और TD हमेशा लेफ्ट अलाइंड रहता है. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट इज सेट इन मिडिल अलाइनमेंट. जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है वर्टिकल अलाइनमेंट की वो बीच में लगी हुई होती है. सिंटेक्स ओवर हियर इज टेक्स्ट अलाइन वैल्यू इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट and where value left, right and center is given. Similarly, vertical alignment के लिए जो value दी गई है वो है vertical align colon value. And जहाँ पे जो value होती है वो top, middle और bottom होती है. तो horizontal left, center और right, और vertical होगा top, middle and bottom. Now children, let's learn about the next topic which is hover. However, this property enables highlight the text cell, row or column with the specified color. जो भी color आपने choose किया है उससे आप उस text को क्या कर सकते हो? Highlight कर सकते हो, किसी भी चीज़ को highlight कर सकते हैं. When you hover your mouse over it, जब आप अपना mouse उस text पे घुमाते हैं तो वो text अपने आप highlight हो जाएगा. इट इज़ यूज विद द TR, TH और TD टैग्स. इन तीनों टैग्स के साथ इसे यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटेक्स क्या है. TR होवर बैकग्राउंड सियान. सो सियान कलर यूज़ किया जा रहा है बैकग्राउंड में. सो जब भी आप होवर करेंगे ऐसे टैक्स के ऊपर तो आपको वहाँ पर सियान कलर दिखाई देगा. नेक्स्ट आता है टेबल ले आउट. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द लेआउट फॉर अ टेबल. टेबल के लिए एक लेआउट सेट करता है ये प्रॉपर्टी. इट इज़ यूज विद द टेबल टैग. इसे टेबल टैग के साथ यूज़ करते हैं एंड ये है आपके सामने सिंटेक्स. जहाँ पे जो वैल्यू है या तो ऑटो में आ सकती है या फिर फिक्स में या फिर इनिशियल में. ऑटो क्या है? यूजिंग इस वैल्यू द कॉलम विड्थ इज सेट इक्वल टू द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेंट इन द कॉलम.
मीन जितना आपके पास कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये टेबल अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। कंटेंट बड़ा है तो टेबल बड़ा हो जाएगा, कंटेंट छोटा है तो टेबल अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको इसमें कुछ बड़ा या छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेगा, ऑटो जो है कंटेंट के अकॉर्डिंग टेबल को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है फिक्स, द कॉलम विड्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द टेबल एंड कॉलम नॉट ऑन द कंटेंट ऑफ द सेल। सो जो कॉलम का जो विड्थ है वो डिपेंड करता है टेबल या फिर कॉलम में, ना कि किसी का कंटेंट या फिर सेल में। फिर आता है इनिशियल, द डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज फॉर द कॉलम विड्थ। सो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कॉलम के विड्थ के लिए यूज की जाती है, मीन जो ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने फॉलोइंग कमांड्स टाइप किए नोट पैड में अपने, HTML, देन हेड ओपन, टाइटल जिसमें आपने क्रिएट टाइटल डाला है एंड देन क्लोज कर दिया आप, स्टाइल क्या है, बॉडी बैकग्राउंड होना चाहिए, द गिवन कलर्स। नेक्स्ट है टेबल TDTH बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लू कलर का होना चाहिए, विड्थ 50% होनी चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने दे दिया सेंटर होनी चाहिए, TD वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल होना चाहिए और TR होवर जो है बैकग्राउंड कलर से आना चाहिए। टेबल लेआउट फिक्स बैकग्राउंड कलर एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टाइप्ड हियर। नेक्स्ट दीज आर द कमांड चिल्ड्रन दैट यू हैव टू टाइप एंड इन सारे कमांड्स को टाइप करने के बाद ऑटो एडजस्ट करने के बाद हमने क्या किया, अपना टेबल क्रिएट कर लिया, वेब पेज हमारा क्रिएट हो गया जिसमें टेबल लेआउट फिक्स है, टेबल लेआउट ऑटो है। यहाँ पे जैसे टेबल लेआउट ऑटो, टेबल लेआउट फिक्स। सो यहाँ पे ऑटो में क्या हुआ, अब आप देख सकते हो फिक्स जहाँ पे है वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जो स्पेस है कितना ज़्यादा है, नेम की स्पेस देखिए, बेसिक का स्पेस देखिए और HRA का स्पेस देखिए। लेकिन जहाँ पे टेबल लेआउट ऑटो है वहाँ पे जो स्पेस देखिए, इस नंबर में कितने सारे ज़ीरो हैं, यहाँ पे ये ज़ीरो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे नंबर पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल गई है इन नंबर्स को। तो जहाँ पे ऑटो फीचर है वहाँ पे इन नंबर्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉपर स्पेस मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल बड़ा या छोटा हो जा रहा है। सो ये है फिक्स एंड ये है ऑटो टेबल लेआउट। नेक्स्ट कम्स बॉर्डर स्पेसिंग, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए बॉर्डर में। सिंटेक्स है बॉर्डर स्पेस एंड देन वैल्यू, वेयर जहाँ पे जो वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन px सेंटीमीटर होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग इन px em होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया बॉर्डर स्पेसिंग है 10px हॉरिजॉन्टल होना चाहिए एंड वर्टिकल स्पेसिंग 10px होना चाहिए। सिमिलरली बॉर्डर स्पेस है 10px 20px हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एंड वर्टिकल स्पेसिंग होनी चाहिए 10px एंड 20px रेस्पेक्टिवली। नाउ देयर इज अ नोट फॉर यू चिल्ड्रेन, इफ ओनली वन वैल्यू इज स्पेसिफाइड, अगर इनमें से सिर्फ एक वैल्यू ही दी गई है, इट गेट्स अप्लाइड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल स्पेसिंग। अगर हॉरिजॉन्टल में ही वैल्यू दी गई है, वर्टिकल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है वो वर्टिकल में अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी और अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स बॉर्डर को बंद कर देना। सो विद दिस प्रॉपर्टी वन कैन स्पेसिफाई whether the table borders are to be collapsed into a single border or detached. तो इस प्रॉपर्टी से क्या है, कोई भी पर्सन ये बता सकता है कि जो बॉर्डर है वो या तो सिंगल बॉर्डर होना चाहिए या फिर डिटैच हो जाना चाहिए, मीन्स दूर दूर हो जाना चाहिए। अब क्या सिंटेक्स इसका, बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू है जहाँ पे वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए या फिर कोलैप्स होनी चाहिए। Now border collapse, here's example, we have to type this
command in our notepad, and this is the result that we are going to get. Living versus non-living things. अब आप देख सकते हो border यहाँ पे कैसा है और यहाँ पे कैसा border use किया जा रहा है. So यहाँ पे आप देख सकते हो living and non-living things में आप देख सकते हो border कितने space है, spacious है, but यहाँ पे सारे एक साथ combined हैं and दोनों ही तरीके हमने use किए जो हमने वहाँ ऊपर पढ़े थे, कितनी ज़्यादा distance होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए. And this is the result that we are going to get. So we have to type all these things to get the desired result. Next comes caption side. It specifies the placement of a table caption. ये table के caption को specify करता है, captions बताता है. Caption side value, this is a syntax. जहाँ पे जो वैल्यू है या तो वो टॉप हो सकता है या फिर वो बॉटम हो सकता है. एग्जाम्पल दिया गया है कैप्शन साइड बॉटम. कैप्शन जो है साइड में बॉटम में होना चाहिए. अगला आता है एम्प्टी सेल्स. दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग वेदर और नॉट द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड आर टू बी प्लेस्ड अराउंड द एम्प्टी सेल इन अ टेबल. ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, हेल्प करती है स्पेसिफाई करने में कि जो बॉर्डर है या जो बैकग्राउंड है ये जो है एम्प्टी सेल्स में होने चाहिए, इनके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. तो सिंटेक्स क्या है, एम्प्टी सेल वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट या फिर हाइड, शो या फिर हाइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है एम्प्टी सेल्स कोलन हाइड, तो ये यहाँ पे वैल्यू है. अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें अप्लाई करके देख रहे हैं इस कमांड में. अब आप देख सकते हो जब आपने ये सारे कमांड्स टाइप किए तो ये रिजल्ट आपके सामने आया, जहाँ पे नेम, ईमेल एंड एम्प्टी सेल्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा. यहाँ पे तो बॉर्डर है पर यहाँ पे बॉर्डर नहीं है इस एम्प्टी सेल में. सो ऐसे ही आपको इन कमांड्स को टाइप करना है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ. यूज दिस प्रॉपर्टीज यू कैन सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल. टेबल कितना ऊंचा होना चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये हम इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. क्या है सिंटेक्स, हाइट वैल्यू, विड्थ वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है पीएक्स या फिर सेंटीमीटर में या फिर परसेंटेज में. जैसे कि एग्जांपल है हाइट 100 पीएक्स होनी चाहिए, विड्थ 25% होनी चाहिए. अगला है पैडिंग. दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ टेबल. ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बताती है कि कितना स्पेस होना चाहिए बॉर्डर और कंटेंट के बीच में किसी भी टेबल में. पैडिंग वैल्यू, वेयर वैल्यू इज टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग इन पीएक्स, सेंटीमीटर और परसेंटेज. जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे पैडिंग हमने लगाई है 2px, 3px, 3px, 2px. मींस टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम से इतना इतना डिफरेंस होना चाहिए. देखिए टॉप से इतना होना चाहिए, राइट से इतना होना चाहिए, लेफ्ट से इतना होना चाहिए और बॉटम से इतना होना चाहिए. मींस लेफ्ट राइट में ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए और टॉप और बॉटम में कम डिस्टेंस होना चाहिए. सिमिलरली द अदर एग्जांपल्स आर गिवन. सो चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइप द गिवन कंटेंट. टेबल ऑफ बुक्स हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें बुक का नेम है और उनके ऑथर और जेनरे लिखा हुआ है. तो आप देख सकते हो कैसे हमने कितना डिस्टेंस पे इन वर्ड्स को रखा है, मींस एकदम टेबल के ऊपर नहीं रखा हुआ है. आप देख सकते हो टेबल के जो ऊपर नीचे साइड में कितना कितना स्पेस मेंटेन किया गया है. तो ऐसे हमने क्या किया, पीएक्स को जो है आपने पैडिंग लगाई है जिसकी वजह से जो है ये स्पेस यहाँ पे छूट गया है. एंड दिस ऑल यू हैव टू टाइप टू गेट द given result. Next है inserting image in a table. You can also insert an image in a table cell. हम क्या कर सकते हैं, table cell में हम image को insert कर सकते हैं. Let's understand with this with the help of the following activity.
यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल कैसे, ये पिक्चर कैसे इंसर्ट किया गया है। तो हमें क्या करना है, ये जो दिए गए चीज़ें हैं इसे हमें टाइप करना है अपने नोटपैड में, एंड जिसमें आपने बैकग्राउंड कलर डाला है, टेबल डाला है, टेबल का बॉर्डर डाला है, प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट है, सेव आवर अर्थ लिखा हुआ है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल आया है यहाँ पे, इन सब की आपने क्या की इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और अगला डाला है स्टॉप पॉल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें हमने जैसे लिखी हैं वैसे अगर आप डालते हैं, सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। Now children, let's revise whatever we have done in this chapter. A list is the most efficient way of presenting information in a precise manner and helps in making important points stand out more clearly. The ordered list is used to display the list of items in a specified order. An unordered list is used when the items are not to be displayed in any particular sequence. The LI tag is used to display the list of items contained in any of the two list types, that is ordered and unordered list. The reverse attributes of OL tag is used to specify the list in list order in the decreasing order. The nested list is a list inside any other list. A description list consists of a term followed by its definition and is used to present a glossary, list of terms and other names. Value list. Tables are an attractive way of presenting information in the form of rows and columns. Now, children, let's move on to book exercise. Check yourself. And here the first question is, take the correct option. So here, children, the first question is, unordered list is also known as dash list. So is it known as bulleted, numbered, multi-level or none of these? So it is bulleted list. Second one is, by default the ordered list starts with A1, small a, I. So it is 1. These two are your homework. Do it yourself. Now children, let's move on to fill in the blanks. A list is the most efficient way of presenting information in a precise manner. Second one, an unordered list indents each item in the list and adds a bullet against each item. So do the remaining two yourself. Next, C part. Write true or false for the following sentences. An unordered list automatically starts with number 0. This is false. The TR tag must always be present inside the row tag TD. This is again false. And the rest two children you have to do yourself. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. First one is, define the different types of lists supported by HTML. So HTML supports different types of lists and the names are ordered list, unordered list and description. Now the question is asking, define all these three. So ordered list is that list in which the product is given in a particular order, means the list is given in a particular order and by default the order starts from number 1. But when we talk about unordered list, it's not necessary that the list of content should be in a particular order, means it starts with a bullet. Next comes description list. And it shows the glossary of lists. ये बहुत सारे lists का glossary show करता है
ऑफ टर्म्स और अदर नेम लेस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यू एल एंड ओ एल टैग्स. सो चिल्ड्रेन, यू एल टैग्स इज यूज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यू एल टैग यूज करते हैं. एंड दिस टैग इज यूज फॉर दोज आइटम्स दैट डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ऑर्डर. मीन्स वी कैन यूज दोट आइटम्स इन एनी ऑर्डर. इट स्टार्ट्स विथ अ डिस और अ बुलेट. बट वेन वी टॉक अबाउट ओ एल टैग्स मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, इट keeps the items in a proper order and by default it starts with number one. So whatever order we want, there are different types of orders. We can use all those orders, suppose A to Z or small a to Z, 1 to, and the number continues. So this is the way we can keep the ordered list. So this is difference between ordered list and unordered list, and these are the tags for ordered and unordered list. Now children, there are two more questions that are given here. Discuss two table properties and what is the use of definition list. So what you have to do, you have to answer these questions yourself. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you children. And you have to complete whatever we have done here in your notepad, and you will see the desired result that is shown in your book. So keep smiling. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.